नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। हार्दिक बने बीजेपी की चुनौती। नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आने से राज्य में बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई है। 2014 के बाद ही हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पाटीदार आरक्षण आंदोलन खड़ा हुआ। पाटीदारों के इस आंदोलन ने धीरे धीरे पूरे गुजरात के युवाओं को अपने साथ मिला लिया। हार्दिक पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए पटेल आंदोलन ने बीजेपी की दिक्कतें बढ़ा दी। इसी का नतीजा रहा कि 2015 में हुए जिला पंचायत चुनाव में सौराष्ट्र की 11 में से 8 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही। हार्दिक पटेल की चुनौती से बीजेपी परेशान है। बीजेपी हार्दिक की काट के लिए हर संभव कोशिश में लगी है, लेकिन अभी तक पाटीदारों पर चढ़ा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा है। हार्दिक की रैलियों में पाटीदार समाज की भीड़ जुट रही है। युवा, बेरोजगार, गरीब पाटीदारों का एक बड़ा खेमा हार्दिक को समर्थन कर रहा है। गुजरात में युवाओं की बड़ी तादाद ऐसी भी है जिन्होंने बीजेपी के सिवा किसी और पार्टी का शासन देखा ही नहीं। उधर बीजेपी के साथ पाटीदारों के पैसे वाले लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में हार्दिक बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनते हैं, ये 18 दिसंबर को मतगणना के वक्त साफ होगा। धन्यवाद।